अपनी छोटी मोटी भूख को मिटाना हो या फिर आप ढूंढ रहे हो हेल्दी रेसिपी जो वेट लॉस में मदद करे, तो आज ये क्विक इजी और टेस्टी रेसिपी कानू बनाने वाला है बिना गैस जलाए। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे प्याज। तो दो प्याज हमें लेने हैं मीडियम साइज के, और उसे बारीक काट लेना है जैसे कि कानू काट रहा है। अब हमें कोई भी मिक्सिंग बाउल लेना है बड़ा सा, जिसमें सारी चीजें हम मिक्स कर सके। तो बस ये प्याज जाएगा उस बाउल में। अब हम काटेंगे टमाटर। तो दो ही टमाटर हमें लेना है बारीक काटकर, और उसे भी प्याज के साथ डाल देना है बाउल में। थोड़ी सी हमें लेनी है भीगी हुई मूंगफली, जिसे हमने 2.5 घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब हम लेंगे एक अनार और उसके भी दाने निकाल कर इसमें डाल देंगे। इसमें और बाकी की चीजें मिलाने से पहले हम ले लेते हैं खीरे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 2 खीरे। बीच में से इसको इस तरह से काट लेना है, और जो इसके बीज वाला पार्ट है उसको चम्मच से अलग कर देना। यह जो बीज है इसे भी हम उसी बाउल में मिक्स कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इन बीजों का यूज नहीं किया है। कानू इसके बीज नहीं निकाल पाया तो मैंने इसकी हेल्प की, और ये देखिए दोबारा तो वो भी सीख गया बहुत ही अच्छे से, और वो भी बीज निकाल पा रहा है। अब हम इस बाउल में बाकी की चीजें डाल देते हैं। तो एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1.5 चम्मच नींबू का रस, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डाला थोड़ा चाट मसाला और काला नमक, और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। अब अगर आपके पास हो चाट वाली बारीक सेव तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास थी ये बिकाजी भुजिया, तो हम यही डाल देते हैं। इसके साथ ही हम थोड़े से डालेंगे भुने हुए चने। तो 2 चम्मच यहाँ पर भुने हुए चने डाल दिए हैं। आप भीगे और उबले हुए चने का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके ढक्कन लगाएंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो ये कानू ने बाउल उठाकर ऊपर नीचे इधर उधर घुमा घुमा के इसको बढ़िया से मिक्स कर दिया, ताकि नमक, मिर्च, चाट मसाला और नींबू वगैरह डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम कटे हुए खीरे में इस मिक्सर को भरेंगे, पर अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस मिक्सर को भरने से पहले खीरे में थोड़ी हरी चटनी लगा सकते हैं, उससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। इसके साथ ही आप इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी का भी यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसे खाएंगे कानू और मानवी, तो हमने दोनों ही चटनियों का यूज इसमें नहीं किया है। हमने इसमें चाट मसाला और नींबू का रस का यूज किया है, जो इसे एक टेंगी फ्लेवर देगा, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इसके अलावा हमने इसमें बहुत ही हेल्दी हेल्दी चीजों का यूज किया है, जैसे भीगी हुई मूंगफली, भुने हुए चने और अनार का, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकुम्बर के 4 पीसेस में ये मिक्सर भर लिया है, और एक बाउल भरकर ये बच भी गया है। कानू ने ले लिए हैं ताजे ताजे पुदीने के पत्ते इसके डेकोरेशन के लिए। तो ये तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, जिसे हम वेट लॉस के लिए खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं, और टेस्ट के लिए भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, और अभी गर्मियों में तो बहुत ही सेहतमंद होगी। तो आपके यहाँ पे भी अगर फ्रिज में रखे हैं खीरे तो बना लीजिए फटाफट से ये रेसिपी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही रेसिपीज और देखने के लिए। और ये देखिए कानू को तो ये भरवा कुकुम्बर बहुत ही पसंद आए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमें बोल चुका है।